रिजर्व बैंक के अधीनस्थ आदेश से यस बैंक के हितग्राहियों में खौफ हो गया। एक माह में 50,000 रुपए की निकासी लिमिट करने से ग्राहक असमंजस में है। यस बैंक के बाहर लगी ग्राहकों की लंबी कतार से बैंक के कर्मचारी और ग्राहकों में विवाद होना शुरू हो गया। विवाद के चलते यस बैंक और एटीएम के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। उज्जैन की यस बैंक फ्रीगंज शाखा के बाहर एटीएम से पैसा निकालने के लिए बैंक ग्राहकों की लंबी कतार लग गई है। सुरक्षा के मद्देनजर यस बैंक और बैंक के एटीएम के बाहर पुलिस इंतजाम किए गए हैं। दरअसल संकटग्रस्त यस बैंक पर सख्ती बरतते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपए की निकासी सीमा तय की है। यही वजह है कि देश भर की यस बैंक ग्राहकों के साथ साथ उज्जैन की यस बैंक ग्राहकों में भी डर कायम हो गया। हालांकि आरबीआई का यह आदेश एक महीने के लिए है, लेकिन बैंक अधिकारियों की ओर से ग्राहकों को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने से ग्राहकों में भी फैलना लाजमी है। बैंक के बाहर कतार लगाए ग्राहक कई तरह के कयास लगाए रहे हैं। बैंक ग्राहकों का कहना है कि हमें व्यापार के लिए रोजाना 1,000 रुपए की जरूरत होती है और महीने में एक बार 50,000 रुपए की निकासी से परेशान होगी। कई ग्राहकों को बैंक के अंदर भी आने नहीं दिया जा रहा, जबकि हम बैंक के वर्षों पुराने ग्राहक होकर लाखों रुपए का टर्नओवर करते हैं। कुछ दिन पहले ही बैंक में लाखों रुपए जमा करने वाले ग्राहकों को बैंक 50,000 रुपए से अधिक राशि निकालने के लिए प्रूफ सहित कारण बताने और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार फिर भी 5 लाख से अधिक राशि नहीं दी जा सकती। भाई न्यूज़ ने सुना, न्यूज़ में देखा कि ये बैंक महीने भर के लिए क्या 50,000 रुपया दे रही है, तो अपना अकाउंट है यहाँ उसके लिए आए, एफडी पड़ी है, अगर बैंक ब्लॉक हो जाएगी सब नुकसान होगा, आर्थिक तंगी हो जाएगी सबको। थोड़ा बहुत रखते हैं, अच्छी थी सहूलियत थी इसमें अच्छी, रिजर्व बैंक जिस प्रकार बोल रही है। मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है। अब जैसे आरबीआई ने जो एक्शन लिया है एकदम से, अब इससे क्या होता है सर कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोगों पे एकदम बर्डन आता है। अब व्यापार का पैसा हम लोगों को लौटाना भी, अब एक महीने का अगर इन लोगों ने क्राइटेरिया दिया है तो हम कहाँ से अरेंजमेंट करके कहाँ से वो पैसा देंगे। आज हमारा पैसा 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो भी है यहाँ अटक गया, अब एक महीने तक हम लोग क्या करेंगे। परेशानी वहाँ आती है थोड़ी सी, कुछ भी नहीं 50,000 रुपये दे रहे हैं, बस खाना खर्चा कर लेंगे उसमें। अकाउंट बंद तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक महीने का क्राइटेरिया दिया है, एक महीने के बाद बता रहे हैं प्रॉपरली चलेगी वापस बैंक। डूबने का कोई डर वगैरह है नहीं क्योंकि इतने सालों से कर रहे हैं यहाँ से लेन देन हम लोग, तो पूरा विश्वास है बैंक पे डूबेगी तो नहीं। लेकिन आरबीआई का जो एक्शन है थोड़ा सा वो गलत लगा, तो महीने भर के लिए अगर पेमेंट नहीं मिलेगा 10-10 15-15 लाख अगर यहाँ एक एक व्यक्तियों के उलझे रहेंगे तो आज करोड़ों उलझ गए, तो आर्थिक तंगी तो नॉर्मली है ना। और उज्जैन के व्यापारियों को देख लो आप, अभी हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं मॉर्निंग से।